प्रस्तुत करने वाले हैं एक ड्रामा गुरु कृपा। तो आइए आज हम देखेंगे कि कैसे एक भक्त गुरु का आश्रय लेकर सफलता पाता है। बधाई हो स्वामी, आपको पुत्र जन्मा है। हे वासुदेव, मेरा कोटि कोटि धन्यवाद स्वीकार करें। एक तो देखो तो, इतना सुंदर मुकड़ा है मेरे लाल का, इसे मेरी आयु। हे वासुदेव, कृपया इस शिशु के प्राण बख्श दीजिए, इस पर अपनी कृपा बनाएं। विधाता को कोसने का क्या लाभ दूरी का, सभी जीव अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख भुगते हैं। अगर इस जीव के भाग्य में जीवन का लिखा है तो यह अवश्य ही जीवित रहेगा। हम इसका नाम रखेंगे दुखी। दुखी? इतना अपशकुन नाम क्या स्वामी? वो इसलिए कि कदाचित यमराज को इसका नाम सुनकर इस पर दया आ जाए और इसके प्राण बख्श दे। ठीक है, यदि ऐसे अशुभ नाम से मेरे लाल के प्राण बच जाते हैं तो इससे शुभ और क्या हो सकता है। दुखी। कृष्ण मंडल और दूरी का देवी का पुत्र जीवित रहा। दुखी को जीवन दान उसके नाम से मिला, अथवा उसकी हथेली पर लिखी लंबी जीवन रेखा से यह बतलाना संभव नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, वह जिया। बचपन से वह औरों से बिल्कुल अलग था। ना तो उसे खेलकूद में कोई रुचि थी, ना ही रिश्ते नातों में। उसने अपनी संगत केवल साधु संतों के बीच ही रखी और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब। क्या तू हमें छोड़कर जाएगा? मैं आप दोनों को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता, परंतु मेरे जन्म जन्मांतर के माता पिता श्री श्री राधा कृष्ण मुझसे दूर हो चले हैं, और सिर्फ एक गुरु ही है जो मेरा उनसे पुनः संबंध जोड़ सकते हैं। अंबिका कल नाम एक महाभागवत है, तिल हृदय चैतन्य ठाकुर, उन्हीं को मैंने अपना गुरु मान लिया है, और मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। अंबिका कलना, परंतु बेटा हमारे गांव में भी अनेक साधु हैं, तो उनमें से किसी एक से दीक्षा क्यों नहीं लेता? इस तरह तेरा मनोरथ भी सिद्ध हो जाएगा और तुझे घर छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। गुरु का आश्रय कोई व्यापार नहीं है माँ, जिसे हमें अपनी अनुकूलता के आधार पर चुना जाए। माता पिताजी कृपया चिंतित ना, कृपया मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। अंततः दुखी अंबिका कालना में हृदय चैतन्य दास के पास जा पहुंचा। दुखी, आपकी शरण लेने आया हूँ। मेरी ही शरण क्यों? हे महात्मा, आपकी भक्ति इतनी शुद्ध और निर्मल है कि स्वयं महाप्रभु ने ही आपके हृदय में आश्रय लिया है। मैं आपकी शरण इसलिए लेने आया हूँ कि अपने हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु को कैसे धारण किया जाए, यह आपसे मुझे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। हृदय चैतन्य अधिकारी ने दुखी को स्वीकार किया। कई वर्षों के पश्चात सन 1553 में दुखी को दीक्षा दी। दुखी नहीं, दुखी कृष्णदास, आज से यही तेरा नाम है। यह तिलक तुझे हमेशा हमारी उज्जवल परंपरा की याद दिलाता रहेगा। इस मंत्र का तू सदा जाप करते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बस कर, अब तू थक गया होगा। थकान? थकान तो भार उठाने से होती है ना गुरुदेव, पर जिस गुरु ने इस जीवन का भार स्वयं उठाया है, ऐसे गुरु की थोड़ी सी सेवा करने से कैसे थकान। जय पाए गुरु सेवा से बाड़ो भाग्यवान। अच्छा, क्या मिलेगा तुझे गुरु की सेवा करके? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम चाहिए तो कृष्ण के पास जा, गुरु कौन होता है कृष्ण प्रेम देने वाला। आप मेरे साथ खेल रहे हैं ना गुरुदेव, क्या आज तक कोई गुरु को लांघकर कृष्ण को पा सका है भला? कृष्ण इतने सस्ते तो नहीं कि ऐसे ही मिल जाए बिना किसी प्रयास के, और प्रयास भी तभी सफल होता है जब गुरु का आशीर्वाद होता है, और गुरु भी इस धरातल में कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कृष्ण तक हम जीव को लेकर जाते हैं। हर जीव को अपने गुरु को उसी प्रकार पूछना चाहिए जिस प्रकार हम भगवान को पूछते हैं। यह दुखी कृष्णदास कृष्ण को नहीं जानता और ना ही जान पाएगा, वह सिर्फ जानता है तो गुरु कृपा। जा, दी तुझे मैंने अपनी कृपा, हमारे सभी पूर्व आचार्यों की अनुकंपा तुझ पर सदा बनी रहे, और शीघ्र ही तू श्री श्री राधा श्याम सुंदर की विशेष कृपा का पात्र बने। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांग? क्या मांगना चाहता है तू? आमे वृंदावन जाई छे। वृंदावन? वृंदावन ही क्यों जाना चाहता है? भक्त बनने? नहीं, भिक्षुक बनने। अगर इसके अलावा और कुछ मांगता तो मैं कभी अनुमति नहीं देता। जा, दी तुझे अनुमति, वहां जाकर श्री जीव गोस्वामी की शरण लेना और उनकी सेवा करना। श्री जीव गोस्वामी, मैं आपकी छवि देखकर मैं उनके तन मन से सेवा करूंगा। कृष्ण भक्ति को छोड़कर जब हर प्रकार की अभिलाषा समाप्त हो जाए, तब ज्ञान के तर्क वितर्क से ऊपर उठकर मनुष्य सिर्फ उन्हीं कार्यों में जुड़ जाए जिससे श्री कृष्ण संतुष्ट हो, तब उस भक्ति को सर्वोत्तम मानना चाहिए। और भक्ति अर्थात प्रेम व्यक्त किया जाता है सेवा से। श्रीनिवास और नरोत्तम, तुम दोनों अपने अपने गुरु की सेवा में तुरंत जुड़ जाओ, और दुखी कृष्णदास, मैं तुम्हें श्री ब्रजधाम की सेवा करने का विशेष सौभाग्य प्रदान करता हूँ। कल से प्रतिदिन तुम प्रातः काल सेवा कुंज में झाड़ू लगाओगे, यही तुम्हारी सेवा है, तुम तीनों का कल्याण हो।
महात्मा इस दिव्य नूपुर को तो संभाल कर रखना। प्रातःकाल होने को है। इससे पहले कि मेरी सास और चाय मुझे मेरा मंच को उष्णपुर ढूंढकर मेरे गांव यावत पहुंचना ही होगा। ललिता, विशाखा, कुछ करो, मेरा हृदय भैसे कांपे जा रहा है। चिंतित ना हो रहा था, हम तुम्हारे मंजूकोश को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। राधिका, मेरे तोते ने अभी अभी बताया कि तुम्हारा नूपुर यहीं पास किसी महात्मा के हाथों लगा है। वो रहा तुम्हारा मंजूकोश उस युवक के पास। हम सभी फेस बदलकर उस युवक के पास जाएंगे। ललिता, उससे नूपुर निकालने का काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे सुनो भाई, क्या तुमने यहाँ कहीं एक नूपुर देखा है? हाँ, मिला है। मिला है तो दे दो मुझे। अभी देता हूँ। अब मैं ये कैसे मान लूँ कि यह नूपुर आपका ही है? लो, कर लो बात, यह मेरा ही है। सच कहूँ तो यह नूपुर मेरी बहू का है। वो कल यमुना किनारे कुछ देखकर डर गई और भागी, तभी उसके पैरों से यह नूपुर गिर गया होगा। झूठ! झूठ? यह तुम कैसे कह सकते हो? यह नूपुर देखकर तो लगता है कि कोई श्रीमंत या दैविक व्यक्ति ही इस नूपुर का अधिकारी हो सकता है, और आपको देखकर लगता तो नहीं कि आपकी बहू कोई श्रीमंत या दैविक प्रकृति की होगी। अब समझी, यह नूपुर तुम खुद ही हथियाना चाहते हो, है ना? अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही कह देता कि मुझे कोई नूपुर मिला ही नहीं, और कोई भी चीज को उसके वास्तविक अधिकारी तक पहुंचाना, इसी को तो विवेक कहते हैं, और जो मैं चाहता हूँ। अरे, ये तो बड़ा ही ठीक व्यक्ति है। इससे नूपुर निकलवा पाना इतना सरल नहीं जितना कि मैंने सोचा था। ठीक है, चलो सौदा करते हैं। इस नूपुर के बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। अब तो ये मुझे दे दो। जिस नूपुर को मस्तक पर लगाते ही एक रोमांच सा छा गया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं मूर्छित होकर गिर गया। अब इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि यह नूपुर किसी साधारण व्यक्ति का तो नहीं है। क्या वृंदावन में वास करने वाला कोई भी जीव साधारण हो सकता है भला? कौन जाने, यह सामान्य दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन है? तो है साधु, अभी सभी शंकाओं को छोड़कर यह नूपुर इन्हें लौटा दो। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन यह इनका ही है, यह अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। और अब मुझे तो लग रहा है कि आप भी कोई साधारण नहीं है। तो हे देवी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो अपना वास्तविक परिचय दीजिए। मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप दिखा सकती हूँ, पर तुम्हारी यह नेत्र मेरा यह प्रज्वलित रूप देख नहीं सकेंगी। अगर आप चाहे तो असंभव भी संभव हो सकता है। अपने नेत्र बंद करो दुखी कृष्णदास।
आप अपने नेत्र खोलो दुखी कृष्णदास, मैं राधा दासी ललिता हूँ। जय श्री ललिता, जय श्री ललिता, जय श्री ललिता। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया माँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारा अनुमान सही था, यह नुपुर श्रीमती राधा रानी का ही है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से लौटना होगा, हमारे पास अधिक समय नहीं है। हे ललिता, कृपा वही होती है जो बिना किसी कारण और बिना पात्र मिलती है। मैं इस लायक भी नहीं हूँ, पर मैं आपसे श्रीमती राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा करता हूँ। कृपया मुझे युगल किशोर के दर्शन कराए और सेवा में लगाए, तो मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली जीव समझूंगा। हे करुणामूर्ति, मुझ पर इतनी कृपा करें। हे राधे, अब मैं क्या करूं? ललिता, दुखी कृष्णदास दीर्घ काल से मेरा अनन्य भक्त रहा है। मेरे दर्शन को लेकर इसकी आशा अत्यंत तीव्र है, परंतु इसके इस देह में इसकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। इसे मेरा राधा मंत्र बताओ और फिर राधा कुंड में लेकर जाओ। अवश्य। दुखी कृष्णदास, आज मैं तुम्हें अत्यंत ही गुण एक राधा मंत्र बतलाऊंगी। जब भी तुम इस मंत्र का जाप करोगे, अपने आप को राधा रानी के चरणों में पाओगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। वृंदा, क्या तुम इसे राधा कुंड लेकर जाओगी? जय श्री राधे। राधा कुंड में स्नान करते समय इस मंत्र का ध्यान करना, आज तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटने वाला है। चकित ना हो दुखी कृष्णदास, राधा कुंड में डुबकी लगाने के बाद तुम अपने मूल स्वरूप कनक मंजरी के रूप में प्रकट हुए हो। हाँ, आध्यात्मिक जगत में यही तुम्हारा परिचय है, वहाँ तुम नित्य ललिता तथा राधा रानी की सेवा करती हो। अब चलो, राधा रानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिभेद भारतेश्वरी प्रमाण शास्त्रेश्वरी रमेश्वरी स्वमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी रमेश्वरी प्रजाधिपति श्रीराधिके नमोस्तु। जहाँ बड़े बड़े साधुओं को आपके दर्शन दुर्लभ है, वह मुझे आपके दर्शन मिले, यह सिर्फ मेरे गुरु हृदय चैतन्य ठाकुर की कृपा और आशीर्वाद का प्रताप है। मैं धन्य हो गई राधे, मैं धन्य हो गई। कनक मंजरी, दुखी कृष्णदास के रूप में तुमने 12 वर्षों में निरंतर ही मेरे आराध्य श्री श्री राधा श्याम सुंदर के नाम जपते हुए सेवा कुछ में सेवा की है। तुम किसी सेवा भाव के कारण ही इस योग्य हो सकी कि मेरे दर्शन पा सकी। और तुम्हें क्या लगता है, मेरा नुपुर गलती से गिर गया था? नहीं, यह लीला तो मैंने सिर्फ तुम पर अपनी सेवा बरसाने के लिए की थी। अगर इस अभागण पर आपने इतनी कृपा की है, तो एक कृपा और कीजिए कि यह नुपुर मैं आपको स्वयं आपके श्री चरणों में पहना सकूं। ललिता, इसके मस्तक पर मेरे नुपुर से एक नया तिलक बनवाओ, क्योंकि तुम कृष्ण की प्रिय हो। इसलिए आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे तुम्हें सारी दुनिया जाने।
आज से तुम इसी आकार का तिलक धारण करोगी। यह श्याम मोहन तिलक। नया तिलक तो मिल गया, पर मुझे लगता है इसे एक नया नाम भी देना चाहिए। भौतिक जगत का इसका नाम दुखी कृष्णदास तो बड़ा ही भद्दा नाम है। कृष्ण का दास कभी दुखी हो सकता है भला? इसलिए इसका नाम बदला जाना चाहिए। उत्तम सुझाव है विशाखा। ललिता, कनक मंजरी तुम्हारी निजी सेविका है, इसको एक नया नाम देकर इसका जीवन मंगलकारी बनाओ। हाँ, क्योंकि इसने शाम की श्यामा को अपार आनंद दिया है, इसलिए आज से इसका नाम होगा श्यामानंद। अब जाओ श्रीमती राधा रानी को उनका नूपुर पहनाओ। अब इस बात का ध्यान रहे, आज जो भी यहाँ घटित हुआ है या तुमने देखा है, इसका उल्लेख तुम किसी से भी नहीं करोगी, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम श्रीमती राधा रानी की कृपा से वंचित रह जाओगी। चाहो तो तुम सिर्फ जीव गोस्वामी पाद को बता सकती हो। हाँ, तो आप मुझे धरती पर वापस जाने के लिए कह रही है? नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। कृपया मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार ना करें। तुम्हें अभी बहुत से कार्य करने हैं, जिसके लिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। श्याम सुंदर काय विग्रह पूरी सृष्टि में मात्र एक है, जो मेरे हृदय से प्रकट हुआ है। इस विग्रह की सेवा तुम्हें अपार आनंद देगा। यह कोई साधारण विग्रह नहीं है। पूरी श्रद्धा से जो कोई इस विग्रह का एक बार दर्शन करेगा, उसके भूत तथा भविष्य की दिस पीढ़ियां निसंदेह गोलोक धाम की प्राप्ति करेगी। श्याम सुंदर मंदिर के चार परिक्रमा मानो ब्रह्मांड की परिक्रमा बराबर होगा। इस विग्रह की आराधना करने वाला महात्मा सारे संसार को मोक्ष दिलवाने की क्षमता रखेगा। श्यामानंद, तो फिर इस विग्रह की तुम अच्छे से आराधना करो, और मैं आश्वासन देती हूँ कि इस जीवन के बाद तुम मेरे पास पुनः लौट आओगे और हमेशा कनक मंजरी के रूप में मेरी सेवा करो। राधे राधे, राधे राधे। अवश्य ही तुम किसी विशेष कृपा के पात्र बने हो। मुझे बताओ दुखी कृष्णदास, मुझे बताओ। जय विषभानु नंदिनी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्यामानंद, तुम्हारे अलिंगन मात्र से यह तुच्छ जीव गोस्वामी का शुद्धिकरण हो गया। निसंदेह तुमने अपने गुरु हृदय चैतन्य दास की उत्तम सेवा की है, क्योंकि गुरु के प्रसन्नता के बिना ऐसा अनुग्रह पाना संभव ही नहीं है। श्यामानंद, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। भक्त तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। थैंक यू। हरे कृष्णा।